नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। बिहार पृथ्वी दिवस को लेकर जिले भर में हुआ कार्यक्रमों का आयोजन, वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। गैस प्लांट में काम करने के दौरान मजदूर के सिर पर गिरा गेट, आक्रोशित लोगों ने भागलपुर हजरिया मार्ग को किया जाम। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर शिक्षकों ने दिया धरना, मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। महादलित टोले एनएसएस की ओर से विशेष शिविर का हुआ आयोजन, स्वयंसेवकों ने चलाया जागरूकता अभियान। और भागलपुर में पहली बार आधुनिक मशीन से बचाई गई नवजात शिशु की जान, परिजनों में दिखा उत्साह। और अब खबरें विस्तार से। बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर शुक्रवार को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से भागलपुर के जिला स्कूल सभागार में जनजीवन हरियाली चारों ओर खुशहाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी अधिकारियों, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं छात्र छात्राओं को जल एवं पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण और खुले में शौच नहीं करने, प्रदूषण से बचाव के लिए 11 सूत्री संकल्प दिलाया गया। इस दौरान वन संरक्षक के अकेला, DFO एस सुधाकर, जिला स्कूल की प्राचार्या रेणु पंडित, मंदार नेचर क्लब के अरविंद मिश्रा समेत कई विशेषज्ञों ने जल संचय, वृक्षारोपण, बिजली की बचत करने, कूड़े कचरे को कूड़ेदान में डालने, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने और इन सभी कार्यों के लिए दूसरों को भी प्रेरित करने की बात कही। इसके अलावा सभी अतिथियों, अधिकारियों एवं शिक्षकों ने स्कूल परिसर में पौधा लगाया और सभी शिक्षकों, छात्र छात्राओं एवं लोगों को कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाने की अपील की। DFO एस सुधाकर ने कहा कि लगातार ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है और इसे रोकने के लिए सबों को वृक्ष लगाकर उसकी देखभाल करने की जरूरत है, क्योंकि वृक्ष और जल पर्यावरण में संरक्षण और संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इंसानों की तरह पशु पक्षियों एवं प्रकृति की सभी चीजों से प्रेम करना चाहिए, प्रकृति के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इस मौके पर काफी संख्या में शिक्षक शिक्षिका, गंगा प्रहरी एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। वहीं मिर्जान हाट स्थित बिहारी लाल कन्या मध्य विद्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर छात्राओं को सरकार द्वारा जारी किए गए 11 सूत्री संकल्प पत्र से पर्यावरण, वृक्षारोपण, साफ सफाई, प्रदूषण नहीं फैलाने, खुले में शौच नहीं करने एवं प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ दिलाई गई। वहीं भागलपुर जोगसर चंडी प्रसाद लेन स्थित गोल्डन विजन स्कूल में बिहार पृथ्वी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के शिक्षकों ने सभी छात्र छात्राओं को जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक की जगह कपड़े या कागज के थैले का उपयोग करने और सभी जीव जंतुओं के प्रति प्रेम व दया का भाव रखने का संकल्प दिलाया। बांका के चांदन प्रखंड मुख्यालय स्थित इंटर स्तरीय महिला उच्च विद्यालय में 70वां वन महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसका शुभारंभ स्कूल की बच्चियों ने स्वागत गीत गाकर किया। इस मौके पर अतिथियों द्वारा स्कूल परिसर में पौधारोपण किया गया, साथ ही छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर मुखिया छोटन मंडल ने कहा कि पेड़ पौधे को प्रकृति ने उपहार के रूप में सौंपा है, प्रकृति को बचाने के लिए वन की जरूरत है और वन की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे परिणाम काफी गंभीर होंगे। वीडियो दुर्गा शंकर ने प्रकृति के अमूल उपहार को बचाने की अपील की। इस मौके पर अंचलाधिकारी शंभु सरन, आदित्य, रेंजर सुनील कुमार, अशोक कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। इस पर तो जो भी लोग हैं सबको जानते हैं कि इतनी गर्मी पड़ रही है, इतने कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सुखाड़ हो रहा है, हर आदमी परेशान है मौसम से, जिसको लेकर के हम लोग एक पृथ्वी दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाते हैं। विभाग विशेष करके इसमें ज्यादा उनकी भागीदारी रहती है विभाग की। बांका के बाराहाट थाना क्षेत्र इंडियन गैस प्लांट में काम करने के दौरान मजदूर के सिर पर लोहे का गेट गिर गया। घटना में मजदूर की मौत मौके पर ही हो गई। मृतक मजदूर की पहचान कटिया गांव निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है। मजदूर की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने भागलपुर हजरिया मुख्य मार्ग पर शव रखकर जाम कर दिया और प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए सहायता राशि देने की मांग की। वहीं जाम की सूचना मिलते ही बांका SDPO
डीपीओ और एसडीएम घटनास्थल पर पहुंचे और आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक पंकज एक वर्ष से गैस प्लांट में मजदूरी कर रहा था। शुक्रवार की सुबह प्लांट में लोहे का गेट लगाने का काम चल रहा था, इसी दौरान गेट पंकज के ऊपर गिर गया जिसमें दबकर उसकी मौत हो गई। उसके बाद वहां काम कर रहे मजदूरों ने पंकज के शव को बाहर निकाला और अस्पताल ले गए जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। भागलपुर समाहरणालय परिसर में शुक्रवार को बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से समान काम के बदले समान वेतन देने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना का नेतृत्व संघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश कुमार ने किया। इस दौरान शिक्षकों ने राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए समान काम के बदले समान वेतन देने, पुराना पेंशन लागू करने, वेतनमान देने तक न्यूनतम 18,000 की राशि प्रति माह भुगतान करने एवं सेवांत लाभ देने की मांग की। शिक्षकों ने कहा कि हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद भी सरकार ने समान काम के बदले समान वेतन नहीं दिया और शिक्षकों के साथ दोहरा रवैया अपना रही है। जिला सचिव डॉक्टर सत्यजीत कुमार ने माध्यमिक शिक्षकों के लिए सातवां वेतनमान लागू करने, सेवा शर्त नियमावली अविलंब घोषित करने एवं गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षकों से नहीं कराए जाने की मांग की। साथ ही कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। इस मौके पर जानकी बिहारी, आलोक कुमार, अब्दुल सलाम, रविकांत, मोहम्मद नसीम आलम, मोहम्मद अख्तर आलम समेत काफी संख्या में शिक्षक शिक्षिका मौजूद थे। धरना को CPIF ने भी अपना समर्थन दिया। समान काम समान वेतन के मांग के लिए हम लोग का लंबे समय से चल रहा है। जो सरकार हम लोगों के साथ जो है वादा किया था कि अगर हाई कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा तो हम लोग आप लोगों को वेतन मान दे देंगे। जब हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया तो सरकार हमारे खिलाफ SLP दाखिल कर दी सुप्रीम कोर्ट में और हमारा यह आह्वान है, इसको हम मांग दिवस के रूप में आज से स्टार्ट किया है और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और अपनी मांग को जिला पदाधिकारी के द्वारा बिहार सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस मांग दिवस के द्वारा अगर सरकार नहीं चेतती है तो समय समय पर मेरा यह आंदोलन जारी रहेगा, सड़क से सदन तक। उस पर भी सरकार अगर नहीं मानती है तो शीतकालीन सत्र में हम विधानसभा का घेराव करेंगे, वहां भी सरकार नहीं चेतती है तो जो मैट्रिक और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होगी वहां पर हम सरकार का विरोध करेंगे परीक्षा बहिष्कार करके। उससे भी सरकार नहीं चेतती है तो हम मूल्यांकन कार्य को बाधित करेंगे, वहां भी सरकार नहीं चेती तो विद्यालय में पूर्ण तालाबंदी करेंगे। लेकिन सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, मंगवा के ही हम रहेंगे। भागलपुर BN कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा नाथनगर के महादलित टोला में शुक्रवार को 7 दिवसीय विशेष शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर का आयोजन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के निर्देश पर किया गया है। स्वच्छता शिविर के पहले दिन प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर नीलू कुमारी ने NSS की टीम को महादलित टोला की साफ सफाई और जागरूकता अभियान के लिए रवाना किया। वहीं स्वयंसेवकों ने महादलित टोले की गलियों में घूम घूमकर स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया। छात्र छात्राओं ने लोगों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना में स्वच्छ भारत अभियान शामिल है। वहीं NSS के स्वयंसेवकों ने कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अंबिका कुमार, डॉक्टर अमित किशोर सिंह, अनुपम आनंद वर्धन एवं डॉक्टर रवि शंकर की देखरेख में महादलित टोला में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की बात कही। NSS के स्वयंसेवकों ने पृथ्वी दिवस पर सरकार द्वारा 11 सूत्रीय संकल्प भी दोहराया और प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने की बात कही। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए गंभीर रूप से ग्रसित नवजात शिशुओं का इलाज अब भागलपुर में भी संभव है। दरअसल एक माह पूर्व आदमपुर स्थित स्नेह चाइल्ड केयर सेंटर में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने क्रीटुकुल मशीन लाई थी। यह बिहार झारखंड में लाया गया पहला ऐसा मशीन है जो जन्म के बाद देर से रोए बच्चों के लिए वरदान है। इसी मशीन का प्रयोग करते हुए डॉक्टर अजय ने 72 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद नारायणपुर के दंपति अंजलि कुमारी और बालकृष्ण कुमार चौधरी के बच्चे को मौत के मुँह से बचा लिया। जन्म के बाद जिस बच्चे की स्थिति अत्यंत नाजुक थी वही बच्चा क्रीटुकुल मशीन से निकालने के बाद शुक्रवार को मां की गोद में बिल्कुल स्वस्थ दिखा। वहीं अपने कार्य कौशल से उत्साहित डॉक्टर अजय ने अस्पताल में ही कार्यक्रम आयोजित कर नवजात शिशु के परिजनों को पौधा देकर सम्मानित किया और अपने बच्चे की तरह पैर पौधे की देखरेख करने की बात कही। मौके पर डॉक्टर मृत्युंजय ने डॉक्टर अजय के कार्यों की जमकर प्रशंसा की और कहा कि मां की गोद में बच्चा और पिता की गोद में पौधा देकर काफी अच्छा लगा। कार्यक्रम में डॉक्टर अंजू तुरियार, डॉक्टर प्रभाती केसरी, डॉक्टर विनय मिश्रा, डॉक्टर मुकुल और स्नेह की निदेशक शिखा सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। बच्चों, इस बच्चे को जो पहली बार ये क्रिटिकल मशीन में रखा गया
और मेरा दावा है कि ये बिहार झारखंड में सबसे पहला बच्चा कूलिंग थेरेपी द्वारा इलाज किया गया। अभी तक बच्चों को गर्म करते थे या नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते थे, लेकिन अब देर से हुए बच्चे को कूल किया जाता है 3 दिन तक, और उसके बाद धीरे धीरे रिवार्म किया जाता है। इससे उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट घट जाता है, बच्चे का सेल डैमेज जो है वो कम होने लगता है और बच्चा ज़्यादा क्षतिग्रस्त होने से बचता है। और इसके चलते देर से हुए बच्चों में भविष्य की विकलांगता आती है, वो विकलांगता भी कम होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही ये मशीन धीरे धीरे सभी जगह छा जाएगा और उससे भविष्य की विकलांगता कम हो। सिल्क टीवी की खबर का एक बार फिर हुआ असर, और इसके साथ ही तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कैंपस के सौंदर्यीकरण की कवायद तेज हो गई है। दरअसल 6 अगस्त को सिल्क टीवी ने अपने प्राइम टाइम में विश्वविद्यालय के गार्डन और शहीद तिलका मांझी की प्रतिमा के समीप साफ सफाई नहीं किए जाने की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आया और प्रशासनिक भवन के सामने गार्डन की साफ सफाई शुरू करवा दी गई। वहीं रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने कहा कि संबंधित कर्मियों को तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया गया है और स्वतंत्रता दिवस से पूर्व पूरे कैंपस की साफ सफाई करवा दी जाएगी। ने हमारे विश्वविद्यालय कैंपस का जो सौंदर्यीकरण है, अभी तो बारिश का भी समय है तो घास जल्दी बढ़ रहे हैं और बारिश हो रही है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन घास और अंडरग्रोथ के सफाई की बात है, काम शुरू हो गया है और 15 अगस्त के पहले तो ज़रूर इसको सुसज्जित कर दिया जाएगा और दुरुस्त कर दिया जाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर, स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। भागलपुर के कलगांव में श्री बाबा बटेश्वर नाथ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि श्री बाबा बटेश्वर नाथ पहुंचकर आयोजन को सफल बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पर्व त्योहार को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। बकरीद, विसारी पूजा और श्रावणी मेले को देखते हुए किसी भी तरह का सद्भाव नहीं बिगड़े, इसको लेकर पुलिस ने मुकम्मल इंतजाम किए हैं। जिले में सुरक्षा बलों को चौकस कर दिया गया है। इसके अलावा सभी पुलिस अफसरों और पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। बकरीद और स्वतंत्रता दिवस को लेकर सदर SDO आशीष नारायण ने कहा कि संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस के जवान मुस्तैद रहेंगे। साथ ही सदर SDO ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोगों से त्यौहार मनाने की अपील की है।
अभी भागलपुर में त्योहारों का दौर शुरू हो चुका है। सबसे पहले बकरीद से शुरुआत हो रही है, उसी दिन अंतिम सोमवारी भी है, फिर 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व है, उसके पश्चात विषहरी पूजा की भी तैयारी की जा रही है। तो इस हफ्ते में काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होगा। प्रशासन चुस्त है, दुरुस्त है और सभी जगह प्रतिनियुक्तियाँ की जा रही हैं। शांतिपूर्वक सोमवारी और बकरीद मनाए जाएंगे और लोगों से भी अपील है कि आप लोग शांतिपूर्वक सभी धर्मों का सम्मान करते हुए अपने अपने पर्वों को मनाएं। मेरी ओर से सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बकरीद, अंतिम सोमवारी, स्वतंत्रता दिवस और विषहरी पूजा। बांका के धौरैया नवादा मुख्य मार्ग पर बदमाशों ने हथियार की नोक पर आधा दर्जन मवेशी व्यापारियों से 2,70,000 रुपए सहित 6 मोबाइल लूटकर फरार हो गया। विरोध करने के दौरान बदमाशों ने व्यापारियों के साथ मारपीट भी की। लूट के शिकार पशु व्यापारी कटिहार जिला के बरारी थाना अंतर्गत बरेठा तथा धनकुंड थाना क्षेत्र के बबूरा गांव के रहने वाले हैं। व्यापारी अलग अलग पिकअप वैन से धौरैया हाट जा रहे थे। इसी दौरान जयपुर मोड़ पर 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 बदमाशों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने वाहन को आगे बढ़ा दिया। तभी पीछा करते हुए बदमाशों ने ओवरटेक कर डेरू गांव के समीप वाहन को रोक लिया और व्यवसायियों से मारपीट करते हुए मोबाइल सहित नकदी 21,000 रुपए छीन लिए। तभी पीछे से पिकअप वाहन पर कटिहार के व्यापारी भी वहां पहुंच गए। अपराधियों ने उन व्यापारियों के साथ भी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। व्यापारियों के अनुसार हथियारबंद अपराधियों ने मवेशी व्यापारी मोहम्मद समीम से 90,000, मोहम्मद बदरू से 60,000 एवं मोहम्मद मुमताज से 98,000 और बबूरा के व्यापारी मोहम्मद मुख्तार से 1 मोबाइल सहित 21,000 लूट कर फरार हो गया। घटना के बाद व्यापारियों के बीच दहशत फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही रजौन सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार एवं थाना अध्यक्ष रविशंकर कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सभी व्यवसाय एवं चालक से पूछताछ की। पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए क्षेत्र में नाकाबंदी कर सघन छापेमारी अभियान चला रही है। भागलपुर स्टेशन चौक पर शुक्रवार को उन्नाव रेप पीड़िता को न्याय दिलाने को लेकर युवा कांग्रेस की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान राहगीरों ने रेप पीड़िता के सलामती की दुआ की और हस्ताक्षर किया। युवा कांग्रेस के स्टेट डेलीगेट बिपिन बिहारी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन जब बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे। उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। उन्नाव रेप पीड़िता और उसके पिता कि गुनाहगारों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि जल्द इंसाफ नहीं मिला तो उर्ग आंदोलन होगा। इस मौके पर साहिद हुसैन, सुमित शाह, अमित कुमार, नीरज कुमार, संजीव कुमार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। श्री साकंबरी सेवा समिति की ओर से भागलपुर के लहरी टोला में माँ साकंबरी सिंघारा एवं झूलन उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में माँ साकंबरी को झूले पर झुलाया गया और माँ का मंगल पाठ किया गया। इस दौरान कलाकारों ने भजन की प्रस्तुति दी, जबकि माँ साकंबरी के भक्तों ने 56 भोग लगाकर गजरा उत्सव, मेहंदी उत्सव एवं चुनरी उत्सव बनाया। इस मौके पर बालमुकुंद गोयनका, प्रमोद गोयनका, जॉनी संथालिया, संजीता गोयनका, कविता रुंगटाक सहित काफी संख्या में भक्त मौजूद थे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पीजी सत्र 2018-20 के पहले सेमेस्टर और सत्र 2017-19 के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा के लिए शुक्रवार से फॉर्म भरना शुरू हो गया। पीआरओ डॉक्टर एसडी झा ने बताया कि 9 से 16 अगस्त तक बिना विलंब शुल्क के फॉर्म भरा जाएगा, जबकि 17 से 19 अगस्त तक फाइन के साथ परीक्षा फॉर्म जमा लिए जाएंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर भागलपुर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष राज्यव्यापी एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना के दौरान सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जन वितरण प्रणाली, मनरेगा, स्वास्थ्य सुविधा एवं स्कूलों में हो रही धांधली पर रोक लगाने की मांग की। राज्य कमेटी के सारेंद्र पासवान एवं जिला मंत्री दशरथ प्रसाद ने कहा कि स्कूल में संसाधनों का घोर अभाव है और गरीबों को राशन नहीं मिल पा रहा है। भूमिहीनों को जमीन एवं जरूरतमंदों के लिए अस्पताल में दवा का अभाव है। शहर में साफ सफाई की व्यवस्था गड़बड़ है, जबकि वाहनों के पार्किंग की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। साथ ही कहा कि मांग पूरी नहीं होगी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इस मौके पर मनोहर मंडल, सुभाष तांती, विनोद मंडल समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। 10 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग पूरे बिहार के अनुमंडल पदाधिकारी समक्ष धरना देंगे और ज्ञापन देंगे, जिसमें मुख्य मुद्दा है कि सभी गरीबों को राशन कार्ड उपलब्ध कराओ, भूमिहीनों को 10 डिसमिल जमीन दो, राशन का व्यवस्था करो,
और जा करके सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों में दवाई का व्यवस्था करो, ये सारा 10 सूत्री मांग है। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत प्रखंड परियोजना सहायक अभ्यर्थियों का साक्षात्कार शुक्रवार को DDC सुनील कुमार के कार्यालय में हुआ। इस दौरान 136 आवेदकों में कुल 70 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार DDC की मौजूदगी में अपर संहारता विभागीय जाँच मनोज कुमार, SFC के जिला प्रबंधक गुलाब हुसैन एवं ICDS की जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अर्चना कुमारी ने कागजातों की जाँच कर बारी बारी से लिया। DPO अर्चना कुमारी ने कहा कि प्रखंड परियोजना सहायक के बचे हुए सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार शनिवार को लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुल 17 सीट है जिसके लिए योग उम्मीदवार का चयन अंकों के आधार पर किया जाएगा। इस मौके पर DDC कार्यालय के बहार अभ्यर्थियों की कतार लगी रही। बांका के पंजवारा में प्रतिदिन हो रहे लूटपाट की घटना को लेकर शुक्रवार को पंजवारा थाना परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बैंक कर्मियों के साथ CSP संचालक भी शामिल हुए। बैठक के दौरान थाना अध्यक्ष मुरलीधर शाह ने बैंक कर्मियों और CSP संचालकों को CCTV लगाने की बात कही, साथ ही ग्राहकों के द्वारा बैंक से बड़ी रकम की निकासी पर जानकारी पुलिस को देने की बात कही। इस मौके पर क्षेत्र के बैंक कर्मी एवं CSP संचालक मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। बिहार पृथ्वी दिवस को लेकर जिले भर में हुआ कार्यक्रमों का आयोजन, वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। गैस प्लांट में काम करने के दौरान मजदूर के सिर पर गिरा गेट, आक्रोशित लोगों ने भागलपुर हसदिया मार्ग को किया जाम। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर शिक्षकों ने दिया धरना, मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। महादलित टोले MNSS की ओर से विशेष शिविर का हुआ आयोजन, स्वयंसेवकों ने चलाया जागरूकता अभियान। और भागलपुर में पहली बार आधुनिक मशीन से बचाई गई नवजात शिशु की जान, परिजनों में दिखा उत्साह। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।